से क्षितिज देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को हम हिंदुओं के महापर्व यानी कि महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महादेव आप सभी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाएं और उम्मीद करता हूं आपका आज का दिन शुभ रहा हो। उम्मीद करता हूं आज का ये दिन, आज का ये महापर्व आपके लिए मंगलमय रहा हो। लेकिन फिलहाल हमारे चारा चोर यानी कि लालू यादव की पार्टी वालों के लिए तो ये दिन बिल्कुल भी मंगलमय नहीं है, क्योंकि आज फिर से इनकी डिबेट में क्लास लगा दी गई। मुद्दा वही पुराना था, मोदी को इन लोगों ने गाली दी, इन लोगों ने मोदी जी की माँ की डेथ पर टिप्पणी की, इन लोगों ने मोदी जी को फर्जी हिंदू बताया, हिंदू धर्म की समझ ना होने वाला बताया। वहीं लालू यादव को एक अच्छा इंसान और मोदी को हरा पाने वाला इकलौता नेता बताने से ये लोग नहीं चुके। लालू का ये मोटी बुद्धि वाला प्रवक्ता यहीं नहीं रुका और ये नीतीश कुमार के समर्थन में ये तक कहने लगा कि भाजपा आए दिन नीतीश कुमार पर हमले करती है, उनका अपमान करती है। पर ये बंदा भूल गया कि नीतीश कुमार फिलहाल अभी उसी भाजपा में है जिसके लिए ये बंदा आरोप लगा रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार का अपमान करती है। सामने थी रूबिका लियाकत, जिसने इन्हें फैक्ट चेक कराने में जरा भी देरी नहीं की और बताया कि आखिर ये लोग चीज क्या है, आखिर लोगों के दिमाग में जो गंदगी भरी है वो जुबान पर भी आए दिन कैसे आती रहती है। क्या कुछ हुआ आज के डिबेट में, चलिए देखते हैं। शुरुआत शक्ति जी मैं आपसे करना चाहती हूँ, एक मिनट आपका है। लालू प्रसाद यादव ने जो कहा अब वो आपके लिए मुश्किल का सौदा साबित होगा 2024 में, और क्यों कहा, क्या क्या जरूरत आन पड़ी लालू जी को ये कहने? आप तो परिवार के सदस्य है कि नहीं, आपके कोई परिवार है कि नहीं? कोई परिवार का सदस्य सनातन के हिसाब से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो एक सवाल सामने आता है, उस संस्कार का अनुपालन हर परिवार को करना पड़ता है जो सुखापूर्ण परिवार होता है। अगर परिवार परिवार की बात करते हैं तो परिवारवादी कितने लोग हैं? 100 से अधिक ऐसे परिवार जो जिनके पिता और माता कहीं न कहीं मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो भाजपा पार्टी के अंदर है। अब दूसरे पर आपको मिर्ची लग रही है, कल की सफलता विश्वास जताया बिहार की जनता ने जनविश्वास रैली में, अब इनको रिसीव तो फिसलन होगी, इनकी जो जमीन है वो शक्ति दिख रही है। तो बिहार आए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, 8,000 कुर्सियां लगी थी वो अभी खाली रह गई, दिक्कत तो है सामने खड़ा है। रहा सवाल कि लालू प्रसाद के लिए कौन सी बात है, किसी का कोई परिवार अगर नहीं है तो उसमें हम लोगों के या आपका या किसी का क्या कसूर हो सकता है? पूरा परिवार देश का, हर व्यक्ति का पूरा परिवार। शक्ति सिंह यादव साहब वो तो ये कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, ऐसा कहने के लिए माता चाहिए ना? आपका परिवार देश नहीं है, मेरा परिवार देश। हाँ तो बस ये कहने के लिए माता चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप अपने परिवार के लिए काम करते हैं, मैं देश मेरा परिवार है, मैं परिवार के लिए काम करता हूँ। कौन सा रूबिका जी, इस देश का परिवार अगर महंगाई की चक्की में पीसे तो सवाल खड़े नहीं होंगे क्या? किसान नौजवान अगर यहाँ पर आप, किसने इनकार किया है ये सवाल पूछने के लिए? किसी ने मना किया? आप किसी ने रोका है शक्ति जी आपको? आप किसानों की आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो कौन करेगा? बेरोजगार की आवाज आप बुलंद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन क्या देश के पीएम को गाली देकर ये काम करेंगे? उनकी माँ के, उनके माँ के निधन पर आप इस तरीके से कटाक्ष कसेंगे? वो शख्स जो देश का काम कर रहा है, माँ के देहांत के बावजूद आप ऐसे मजाक उड़ाएंगे उसका? नहीं नहीं, हम तो पूछ रहे हैं गर्लफ्रेंड अच्छा सब है क्या, विधवा अच्छा सब है क्या? अरे ऐसा हो गया है, उसके बाद का कुछ लाइन आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो, कुछ नया लाओ, आगे बढ़ो। सिंह यादव जी 30 सेकंड का वक्त मैं आपको दे रही हूँ, ये भूल हुई है कि नहीं हुई है? या आप अपने स्टैंड पर कायम है? लालू जी ने जो कहा, चूंकि वो आपके लीडर है तो आप उस गलत को सही साबित करने में लगेंगे। 30 सेकंड। कोई असंसदीय नहीं था, उन्हें उन बातों को रखा कि एक जो पूर्ति करनी है दायित्व का, उस दायित्व की पूर्ति न कर करके उन्होंने चूक की, एक सवाल खड़ा किया। इसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो पीड़ादायक, गर्लफ्रेंड नहीं कही उन्होंने, नहीं कहा रे दीदी, रे प्रधानमंत्री जी, ने मोदी जी नहीं कहा, उन्होंने मोदी जी के संदर्भ में उनके आदर सूचक शब्द, लेकिन उन्होंने अपने दायित्वों की पूर्ति न करने पर इन्होंने सवाल खड़ा किया कि आप ढोंग करते हो कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं लेकिन सनातन संस्कार को पूरा करने में चूक जाते हैं। इसका उन्होंने एक तरह से ध्यानाकर्षण किया, उसको लेकर करके आप
जिस तरह की शंकराचार्य ने ध्यानाकर्षण किया था उस समय कई तरह की चीजों तो आता है ध्यानाकर्षण, उसको आप आसन सदिए या कोई ऐसी डीजी टिप्पणी तो इसको मैं नहीं मानता। नहीं नहीं, ये डीजी टिप्पणी थी और देश के प्रधानमंत्री को का इस तरीके से मजाक उड़ाना ये असंसदीय था। आप इसे माने कि ना माने, आप भले ही ना कहें, लेकिन यहाँ पर मौजूद तहसील पुना वाला तो आपकी आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखने वाला शख्स है ना, वो भी ये बात मान। मैंने वो बातें नहीं की, मैं तो लगातार उन बातों को जोर दे रहा कि सारे सवाल महंगाई बेरोजगारी करते ना सर आप, लेकिन मोदी जी पर टिप्पणी करके आपने सारा का सारा डाइवर्ट कर दिया मामला। नहीं नहीं, मामला कोई डाइवर्सन नहीं हुआ। उन्होंने साफ यही कहा कि लगातार इस देश में आप जिस तरह से गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का स्वयं आप अनुपालन नहीं करते, उन संस्कार का अनुपालन करने में चूक जाते हैं। ये शब्द असंसदीय हो नहीं सकता है, कहीं से नहीं हो सकता है। हम भी पार्लियामेंट्री क्या बात पढ़े, खुदा ना करे की ना ना खुदा ना करे की ऐसा कभी किसी और बेटे को सुनने को मिले ना कोई, ना ना ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए सर। वो आदमी क्या कर रहा था, छुट्टी मनाने गया था कहीं पर, क्या करने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या करने गए, छुट्टी मनाने गए थे कहीं पर, मनाने की बात नहीं, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, क्या किया था कौन, मुझे एक माई का लाल ऐसा बता दीजिए जो अपने राष्ट्र को सिर्फ जुबान पर प्रथम प्रथम नहीं करता है, अपनी माँ के इंतकाल के बावजूद वो काम करता है, ऐसा एक माई का लाल मुझे बता दीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नाम है, आज कहने से किसी को छूटना नहीं चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए ना, कभी अवसर नहीं चला। ये आपदा में बहुत बेशर्म लोग हैं, बहुत बेशर्म, ये आपदा में अवसर नहीं है सर। उनका उनका एक कमिटमेंट था देश के प्रति, वो कमिटमेंट उन्होंने पूरा किया और ये कह रहे हैं आपदा में अवसर है। कोई रोक सकता था, शक्ति सिंह यादव आप रोक सकते थे, प्रधानमंत्री ये कहते कि आज मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, अपनी दायित्व समझा। नलिन जी बिहार के डीएनए को गाले दिया कितने दिन हो गए, ओके नीतीश कुमार जी को कितना अपमान, अरे वो ऑलरेडी भाजपा में है, वो तो आप चले गए ना दोबारा आपके पास। नलिन कोहली जी अब एक मिनट आपका, ओके शक्ति जी एक मिनट में दे दो, उसके बाद डिबेट ओपन करूंगी। नलिन कोहली जी सीधा आरोप आप पर ये लगा रहे हैं कि परिवार नहीं है और आप पूरे देश को परिवार बना रहे हैं। ये तो केवल आरजेडी से ही ऐसा एक बयान आ सकता था, किसी की गुजरे हुए माताजी के ऊपर में इस प्रकार का बयान देना मुझे लगता है किसी को भी शोभा नहीं देता। लालू जी तो बहुत वरिष्ठ नेता है, बुजुर्ग नेता है, उनको हमारे धर्म और संस्कृति का ज्यादा ज्ञान हो इसकी हमें उम्मीद थी, पर वो स्पष्ट हो गया कि है नहीं। एक एक करके चलते हैं। मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता के सामने विफल हो गई है पूरे विपक्षी दल, और मोदी जी की सरकार के काम जो उन्होंने किए 10 साल में उसके सामने इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना कोई विकल्प है। इसीलिए लगातार विपक्ष के नेता चुन चुन के मोदी जी को व्यक्तिगत गाली देते या उनके परिवार को घसीट के ले आते। बंदर, घाची, नीच, निपुंसक, गंदी नाली का कीड़ा, गंगू तेली, ओबीसी नहीं है, झूठ है, अब जाकर उन्होंने माताजी पिताजी को पहले भी खींचा था, ये सब करते हुए ये दिखा रहे कि विपक्ष के जो नेता हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जनता के सामने लेकर क्या एजेंडा जाए, क्योंकि नेतृत्व को लेकर और काम को लेकर कोई जवाब नहीं है। डेफिनेटली नेतृत्व को लेकर और काम को लेकर इन लोगों के पास कोई जवाब है नहीं, बचता है बस पर्सनल कमेंट्स, बस पर्सनल हमले, और वही ये लोग करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, पर यहाँ भी आए दिन मात खा रहे हैं। कभी ये लोग बोलते हैं कि मोदी ओबीसी है ही नहीं, बस दिखावा करता है, कभी बोलते हैं कि मोदी की डिग्री फर्जी है, कभी बोलते हैं मोदी अडानी और अंबानी का गुलाम है, कभी कुछ, पर प्रूफ आज तक कुछ भी नहीं कर पाते, और शायद इसकी वजह से दिमागी रूप से ये लोग पगला गए हैं, बोरा गए हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।